नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंशुली भंडारी। बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जिससे कि हमारा समाज आज भी ग्रस्त है। भले ही आज हम लैपटॉप और एप्स के युग में पहुंच गए हों, लेकिन आज भी हमारे समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का पालन किया जाता है। और न सिर्फ पालन किया जाता है बल्कि जो इन कुप्रथाओं को नहीं मानते हैं उन्हें दंडित भी किया जाता है। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जोधपुर के ऐसे ही एक मामले की, जहां एक लड़की का महज 11 महीने की उम्र में बाल विवाह हो गया था। लेकिन बालिग होने पर जब लड़की ने उस विवाह को नकार दिया तो पंचायत ने उसके परिवार पर 16 लाख, जी हां 16 लाख का जुर्माना लगा दिया। 11 महीने की दुल्हन, 9 साल का दूल्हा, शादी के लिए मना किया तो लगा 16 लाख का जुर्माना। जुर्माना जोधपुर की एक कैसी पंचायत। जी हां, बाल विवाह एक अभिशाप, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे पारुल, जो कि प्रभाव एनजीओ के संस्थापक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ लीगल पॉइंट्स हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर हमें बताएंगे। लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ महेश गुप्ता जी, जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सुनीता टिकरिया जी जुड़ेंगी, जो कि अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति की अध्यक्ष। और इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल आखिर पूरा हुआ क्या था मामला। राजस्थान में आज भी बाल विवाह के कई मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा शायद ही होता है कि कोई उस विवाह को मानने से इनकार कर दे। लेकिन राजस्थान के जोधपुर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बाल विवाह को मानने से इनकार करने पर पंचायत ने उस लड़की के परिवार पर 16 लाख का जुर्माना लगाया। पेश एक रिपोर्ट। सामाजिक कुप्रथाओं के चलते बाल विवाह का दंश झेल रहे एक परिवार को इसके खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ा। जी हाँ, ये मामला है जोधपुर का, जहाँ एक परिवार पर जातीय पंचायत ने बाल विवाह मानने से इनकार करने पर 16 लाख रुपए का अर्थदंड लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बिरादरी से बाहर करने और समाज से बहिष्कार का तालिबानी फरमान सुना दिया। लूनी तहसील में रोहिचान खुर्द गांव की रहने वाली शांता देवी मेघवाल जब महज 11 महीने की थी, जब उसकी शादी 9 साल के लड़के से कर दी गई थी। लेकिन जब बालिग हुई, शांता देवी को इस विवाह के बारे में पता चला तो उन्होंने इस शादी को सिरे से नकार दिए, जिसके विरोध में पंचायत ने उनके परिवार पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। शांता देवी फिलहाल ग्रेजुएशन कर रही हैं और पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहती हैं। और शांता के इस फैसले में उनका परिवार भी उनका पूरा पूरा साथ दे रहा है। बाल विवाह निरस्त कराने के लिए पीड़िता और उसके परिजनों ने सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी कृति भारती से संपर्क कर अपनी व्यथा सुनाई। पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए ये विवाह निरस्त करवाने की हिम्मत की, जिस पर पूरा समाज उसके खिलाफ लामबंद होकर खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। और आइए चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले पर खुद शांता देवी का क्या कुछ कहना है। मैं बड़ी हुई तो 16 साल की थी, तो मुझे पता चला कि मेरे बाल विवाह हो चुका है। मैं बाल विवाह को नहीं रखना चाहती थी, मुझे भी याद भी नहीं है कि मेरा बाल विवाह हो चुका। अब मुझे पता चला है कि बाल विवाह मुझे निरस्त कर रहा है। का कुछ नहीं करता है, मैं पढ़ी लिखी, मैं आगे पढ़कर से बनना चाहती हूँ। यहाँ तो है कि समाज वाले बुलाते भी नहीं है, हमारे घर भी अलग है, घर भी नहीं आना चाहते। आपका पानी भी बंद कर दिया। और कुछ धमकी वगैरह मिल रही हो आपको, परिवार को कोई डरा रहे हो? हाँ डरा रहे, वो कह रहे उठा के ले जाएंगे आपकी बच्ची को।
तो इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लीगल पॉइंट से मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि आखिर इतने कानून बन गए हैं, बावजूद इसके जो बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति है उस पर अभी तक रोक नहीं लग पाई है। लखनऊ से हमारे साथ महेश गुप्ता जो कि सीनियर एडवोकेट है, उनसे उनके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगी। महेश जी, इतने कानून बन गए हैं, बाल विवाह पर अभी तक रोक नहीं लग पाई है। मैडम, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि लॉज तो ऑलवेज बनते रहते हैं, उसको फॉलो करना डिपेंड होता है सोसाइटी के ऊपर। जी, अगर कोई लॉ बनाया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसको लागू किस तरीके से कराया जाता है, ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। लॉज बनाना बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जी, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि उसको इम्पोज कैसे किया जा रहा है। यदि स्टेट में अगर कोई एक एक्ट बनाया, जैसा कि 2007 में एक एक्ट बनाया है, चाइल्ड प्रोविजन एक्ट, मैरिज एक्ट, मैरिज प्रोविजन एक्ट, जिसमें कि ताकि सभी एक कैडर डिसाइड किया गया है कौन सा, जैसे कि मैरिज एक्ट में लड़की कब मेजर होगी, लड़का कब मेजर होगा, जैसे कि लड़की के लिए दिया है 18 इयर्स एंड अबाउट बॉयज के लिए जो दिया गया मेल के लिए 21 इयर्स। अब इसको जो लागू करना ये स्टेट का काम है कि इसके लिए भी जैसे सूचना आपका एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जी, उसको पब्लिकली उसको ओपन भी करना चाहिए, क्योंकि एक्ट जो आते हैं नियर अबाउट आई थिंक मेरे हिसाब से 5000 एक्ट इंडिया में है आज की डेट में, जिसमें से करीबन 3000 एक्ट जो है जो कि आज की डेट में निष्क्रिय हो चुके हैं, जिनका कोई यूज भी नहीं है जी। मगर फिर भी उन एक्ट को एक्टेड रखा गया है, गवर्नमेंट को इस पे कायदे से कभी जितने भी एक्ट यूजलेस है उनको डिलीट करना चाहिए, रिपील्ड करना चाहिए, जो रेस्ट एक्ट है उनको मॉडिफाई करना चाहिए। अब जिस तरीके से ये चाइल्ड प्रोविजन एक्ट 2007 में आया, जिसको गवर्नमेंट ने एक्ट इनएक्ट कराने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, जैसे कि 1929 से पहले एक मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ था जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ के चलते हुए कि यहाँ पे इसको बताया रिलीजियस से जोड़ लिया गया जी, इसको रिलीजन से जोड़ लिया गया कि नहीं, जो हमारे बताए धर्म में कहा गया है कि 13 साल से लेकर 15 साल के बाद लड़कियां जो भी है वो चाहे तो शादी कर सकती है अंडर द परमिशन ऑफ गार्जियंस। बट जहाँ पे इस तरीके की बात आती है कि जहाँ पे लॉ की बात आती है वो कॉमन होना चाहिए, इंडिया का हर एक व्यक्ति जो भी नागरिक है भारतवर्ष का उसके लिए एक होना चाहिए कानून, ना कि डिफरेंट पर्सनल लॉस को लिए अलग होता है, जिससे लोगों के बीच में आपस में मतभेद पैदा होता है कि एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अलग कानून है और एक दूसरे रिलीजन के लिए अलग कानून है। तो यहाँ पे हमारी संप्रभुता खत्म होती है, जिसके लिए हमें कहना चाहिए कि इंडिया के अंदर पहली चीज तो यूनियन जो एक होता है कि एक ही कानून होना चाहिए, कॉमन लॉ। यानी कि महेश जी ये कहना गलत नहीं होगा जी, पर्सनल लॉ नहीं, यानी कि महेश जी ये कहना गलत नहीं होगा कि अब एक बड़े रिफॉर्म की, कानून में एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत आ पड़ी है। जी जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है, एक बहुत ही बड़ा जी जी बिल्कुल। आपके पास आएंगे महेश जी, पारुल जी, आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। जोधपुर का ये मामला आपके सामने है और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आते रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं बहुत ही एक बेसिक चीज पे पहले जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो बाल विवाह की कुरीति है इससे खाली लड़की पे ही असर नहीं पड़ता, ये तो बचपन का विवाह बाल विवाह है, तो जो लड़का इन्वॉल्व है उसका भी बाल विवाह हो रहा है। तो पहले तो हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि नारी या पुरुष में यहाँ कोई भेद है, तो ये एक कुरीति को कुरीति की तरह मानना चाहिए। और इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज का एक कॉमन प्रॉब्लम है जी। एक बाल विवाह जो है वो 3 व्यक्तियों के बीच में 18 साल की उम्र में होता है, और एक बाल विवाह 9 व्यक्तियों के बीच में 15 साल से कम की उम्र में भी होता है। तो ये इसको हम एक ग्लोबल प्रॉब्लम मान के चले और ना कि एक रिलीजन या एक किसी पर्टिकुलर रीजन की प्रॉब्लम को मान के चले। और दूसरा मेरा बहुत महत्वपूर्ण इशू ये है कि इसको लड़के और लड़की में भेद ना करें, क्योंकि अगर लड़के और लड़की में भेद किया तो फिर हम एक आई थिंक एक पर्टिकुलर समाज की ओर या पर्टिकुलर विमेन की ओर हम इसको टारगेट कर रहे हैं। जहां तक बात जोधपुर की है,
अब उसमें वो 11 महीने की लड़की थी जिसको कोई होश नहीं था और 9 साल का वो लड़का था। अब इसमें ये भी हो सकता था कि वो बड़ा होकर जो आज 28 साल का बेटा है वो भी मना कर सकता था, लेकिन उसके साथ क्या प्रतिक्रिया होती है समाज की, और एक 19 साल की जो आज वो लड़की हो गई है उसके साथ क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो हम इन दोनों चीजों को अगर लेके साथ साथ चलें तो आई थिंक हम एक किसी सोल्यूशन पे पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल, और कहा तो ये भी जा रहा है फारूक जी कि लगातार उस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा है जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, और उस लड़की का ये भी कहना है कि जो उसकी बड़ी बहन है वो भी उसी घर की बहू है, उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बना जा रहा है। बहरहाल इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो बाल विवाह के पक्षधर हैं उनकी क्या कुछ दलीलें हैं, क्यों वो इसके पक्ष में हैं, वो जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले उनका कहना है कि बड़ी होने पर लड़की की जो सुरक्षा कौन करेगा, इसलिए भी बाल विवाह करवा दिया जाता है। बालिकाओं की सुरक्षा एक गंभीर मामला है, कम उम्र में लड़का कम पढ़ा लिखा होने की वजह से वर पक्ष की दहेज संबंधी जो कुरीतियां हैं वो नहीं होती, साथ ही साथ छोटी उम्र में चयन के विकल्प कम होते हैं। तो कई तरीके की जो दलीलें हैं वो बाल विवाह के जो पक्षधर हैं वो लोग देते हैं। चलिए तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सुनीता चिक्रिया जी भी जुड़ी हैं। सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपका क्या कहना है सुनीता जी, क्या इस तरीके के मामलों में जो बाल विवाह का ये जो सामाजिक कुरीति है, क्या इसमें पारिवारिक और सामाजिक ही सबसे जो कुरीतियां होती हैं, जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है? मैं बाल विवाह को एक अभिशाप मानती हूँ जी, और इसमें सामाजिक तौर पे देखा जाए समाज या परिजन जो होते हैं उनका भी हाथ रहता है, लेकिन इसे सबसे बड़ा दोष मैं ये मानती हूँ शिक्षा का अभाव। अक्सर देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रचलन ज्यादा है, हमारे छत्तीसगढ़ की अपेक्षा बिहार और जो राजस्थान हरियाणा इस साइड में काफी ज्यादा बाल विवाह का प्रचलन है जी। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि बाल विवाह के लिए हर क्षेत्र में जब तक शिक्षित महिलाएं और पुरुष नहीं होंगे तब तक ये बाल विवाह का अपन एक, मैं ये सोचती हूँ कि इसे अपन गलत ही कहेंगे और बाल विवाह को रोक भी पाएंगे, जब तक शिक्षा का भाव कम नहीं होगा तब तक ये प्रचलन बढ़ते रहेगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों के बीच भी होता है लेकिन वो गांव से जुड़े हुए रहते हैं और इसे चुपचाप कर जाते हैं, जबकि बाल विवाह एक बहुत ही दयनीय स्थिति में परिजनों को भी आगे चल के सामना करना पड़ता है जी। तो मैं यही कहती हूँ कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे महिला बाल विकास है जहाँ हर गाँव ग्रामीणों में जाकर बाल विवाह के लिए एक एक उनके बारे में बताया जाए कि एक तो बाल विवाह में लड़की जो है शारीरिक और मानसिक तौर पर मैच्योर नहीं होती, उसके आगे चल के परिणाम क्या होते हैं, ये शिक्षा स्कूल में भी देनी चाहिए चाहे वो शहर में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो पहले हमको तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों जो अशिक्षित है उनको शिक्षित करना जरूरी, जब तक उनको ज्ञान नहीं रहेगा कि बाल विवाह या आगे हम और भी चीज क्षेत्र में अपन जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। जी विजय शंकर जी आप क्या कहेंगे, किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद लगातार कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ पक्ष है? ने मना किया है शादी के लिए जी, पहले तो उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि उसने एक बड़ा कदम उठाया है जी, क्योंकि इस प्रकार से बड़ा कदम उठाने वाले अगर कन्याएं खड़ी हो गईं तो इस प्रकार की कुप्रथाएं जो हैं वो समाज में धीरे धीरे करके समाप्त हो सकती हैं, बशर्ते कि इस प्रकार के हिम्मत वाले लोग तैयार हो जाएं। दूसरी बात यह है कि जो बहन बता रही थी हमारी छत्तीसगढ़ से कि अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है, केवल एक कुप्रथा हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया भर में अनेक अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की कुप्रथाएं हैं लेकिन भारत में भी बहुत सारी कुप्रथाएं आज भी हैं। एक खाप पंचायत की कुप्रथा हमारे यहाँ चल रही है, वहां तो कोई बाल विवाह नहीं होता है, वहां तो वयस्क होने के बाद भी अगर विवाह करना चाहते हैं तो वहां भी समस्या खड़ी होती है। और उसी प्रकार से जो बाल विवाह है देश में एक बड़ा क्षेत्र है जो अशिक्षा के दायरे में है, जहां पर शिक्षा का अभाव है और वहां पर एक असुरक्षा की भावना कन्याओं को लेकर के एक प्रायः बनी रहती है, उससे निवृत्त होने के लिए वो इस प्रकार की पद्धतियां अपनाते हैं। एक तो वहां पर शिक्षा
पर्याप्त मात्रा में पहुंचे और जागरूकता के होने के बाद मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल सकती है। अभी हाल में ही एक रिपोर्ट मुझे सुनने में आई, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन उसको मैंने कहीं थोड़ा सा देखा कि कहा गया कि यूनिसेफ से कि ये भारत में 47% विवाह ऐसे हैं जो बाल विवाह होते हैं, और एक उसी में से एक दूसरा विषय आया कि 22% ऐसे विवाह हैं जो 18 साल से कम उम्र में होते हैं। मुझे लगता है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट दुरुस्त होनी चाहिए। ये रिपोर्ट भारत के सारे सिस्टम को विकृत कर रहा है। ये रिपोर्ट, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं आज भी देखता हूं वहां पर तो इतने बड़े परिमाण में बाल विवाह भारत में नहीं है, लेकिन एक बड़े सुदूर क्षेत्रों में जहां पर जैसे हमने कहा कि शिक्षा की कमी है वहां पर ये है, और वो शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे दूर हो सकती है और इसके लिए सारा समाज आज मानसिक रूप से तैयार भी है। जी विजय जी, हालांकि ये तो मानते हैं ना कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर शिक्षा की कमी, गरीबी की वजह से बाल विवाह के मामले आते हैं सामने, लेकिन वो कहीं ना कहीं विभागों तक नहीं पहुंच पाते, पुलिस में कोई केस दर्ज नहीं करवा पाता, कहीं ना कहीं अनसुने रह जाते हैं ये मामले। हाँ, वो वही कारण है कि एक तो वो सुदूर हैं और दूसरा क्या है कि वो इतने सामान्य लोग हैं कि वो थाने जाना और कहाँ बात पहुंचाना कई बार ये पता नहीं होता, जिसको पता होता है उसकी बात भी नोट नहीं की जाती है, क्योंकि वो बेचारे गरीब भी हैं, अशिक्षित भी हैं। तो जब देखो ऐसा अंजलि कि जब आदमी शिक्षित होता है तो उसको अपने अधिकारों के विषय में, कर्तव्यों के साथ अधिकारों के विषय में पता चलना शुरू होता है, आगे बढ़ता है वो, इन कुरीतियों से दूर होता है। जी बिल्कुल। महेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरीके से जोधपुर में एक पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया, क्या कानून से बढ़कर अब पंचायतें हो गई हैं? पहले तो मैं इस चीज का जवाब ये देना चाहूंगा, इससे पहले जो त्यागी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे जी, उन्होंने एक बार एक रिपोर्ट बताई 47% यूएन की। जी जी, वो जैसा कि मैंने उसको पढ़ा है, वो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें 47% जो है बाल विवाह भारत में होते हैं। पर उन्होंने चाहे थे, मेरे ख्याल से मैं उनसे पर्सनली टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने पूरी तरीके से उसको नहीं पढ़ा, उसमें ये कहा गया है कि 47% लिटरेट लोगों में बाल विवाह होते हैं। उस रिपोर्ट में ये कहा गया 47% जो है वो लिटरेट लोगों में विवाह होता है, और जैसे कि इससे पहले भी और सहयोगी लोग जो हमसे जुड़े हुए थे उसमें यह बात हुई कि यहाँ पे शिक्षा का अभाव, तो इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षा के अभाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है मेन चीज, जैसे मैं यहाँ पे कानून से संबंधित मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा ये कहना है कि कानून को इम्पोज कौन करता है जी, उसको लगाता कौन है, उसको लागू कौन करता है, उसकी ड्यूटीज किसकी ड्यूटीज है कि उस कानून को किसके ऊपर इम्प्लीट करना है, कैसे उस पर लागू करना है, कैसे कार्य करना है, ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और हमारे भारत के जैसा कि दोनों लोगों को मिलाकर एक बनता है भारत वंदे मातरम के माध्यम जिस चैनल में मैं आया हूँ जी, तो ये ड्यूटी पड़ती है दोनों ही सरकारों की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जी। यदि हम सही से किसी भी एक्ट को अच्छे प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीट करते हैं तो शायद ही इस तरीके की घटनाएं कभी हमारे भविष्य में सुनने को आए। हम कभी कभी यहाँ पे हम लोग जब कभी बैठे होते हैं विचार करते हैं इन सब बातों पे तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये फील होता है कि क्या ऐसे एक्ट से क्या फायदा है जो आज की डेट में यूजफुल नहीं है जी। अगर जिस तरीके से इस मामले में जैसे कि बाहर एमिरेट्स कंपनी एमिरेट में होता है कि सजा जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि उसको देख के दूसरा बंदा वो काम ना ही करे जी। अब इसमें पेनाल्टी है जैसे कि चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट में पेनाल्टी है 3 मंथ्स की, 1 मंथ की, इससे क्या फायदा है, 1 महीने की सजा से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। 1 महीने की सजा कोई बहुत बड़ी सजा नहीं हो गई, अगर किसी ने इस तरीके से वो 10 चाइल्ड मैरिज करे, एक बंदा 10 शादियां करे। लेकिन महेश जी, लेकिन महेश जी, मेरा दरअसल महेश जी, मेरा दरअसल ये कहना था कानून से ऊपर होती है क्या, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस तरीके के जो राज्यों में और इस तरीके के गांवों में कि अक्सर पंचायतें अपना फैसला सुना देती है और अगर उनके खिलाफ कोई जाता है तो उन पर पंचायतों द्वारा ही कार्रवाई की जाती है, और इसमें एक और पहलू निकल कर आता है कि पुलिस भी शांत रहती है, ऐसा देखा जाता है। जी हाँ, मैं इसी बात को मैं बता रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है जी, जबकि पंचायतों का कोई रोल नहीं है, पंचायत आर नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी, पंचायत जो है वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, वो सिर्फ एक व्यक्तिगत समाज है जो अपने समाज में रहते हुए किसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए वो लायबल है। अगर वो अच्छा कदम उठाते हैं तो उनके लिए हम कह सकते हैं, मगर ये बुरा कदम है उनके द्वारा, और इसको ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है जी।
कि आपके क्षेत्र में रहते हुए कोई सा ग्राम पंचायत कोई भी पंचायत जो है वो इस तरीके से जो फतवा जारी कर रही है, इसको जैसे बोल सकते हैं कटु शब्द में कि फतवा जारी करना जी, तो ये गलत चीज है, इसके लिए इसको रोकना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल महेश जी, माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ लाड कुमारी जैन जी जो कि पूर्व अध्यक्ष है राजस्थान महिला आयोग की, वो जुड़ गई हैं। लाड कुमारी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदे मातरम में। लाड कुमारी जैन जी, जिस तरीके का मामला सामने आया है जोधपुर से जुड़ा ये मामला है, वहां पर एक महज 11 महीने की बच्ची थी, उसकी शादी उस वक्त करवा दी गई थी लेकिन अब उसने इनकार कर दिया है, लेकिन अब उस पर तुगलकी फरमान ये कि जो पंचायत है उसने 16 लाख का जो जुर्माना है वो उसके परिवार पर थोप दिया है, लेकिन बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को लेकर जिम्मेदार किसे मानती हैं? नहीं नहीं, देखिए ये जो कस्टमरी लोग बना करके पंचायतें चलती है वो नहीं चलता, कानून है, संविधान है, और ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में नया और बन गया, तो इनमें क्या है कि अब तो मैरिज भी चाइल्ड मैरिज को नल एंड वॉइड नहीं कर रहे, और दोनों में से कोई चाहता तो नल एंड वॉइड हो जाती है जी। और ये जो जाति पंचायत में जो फतवे जारी किए उनके कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसके बारे में कहा है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनको पाबंद किया जाना चाहिए और एक्शन होना चाहिए जी। चलिए शुक्रिया लाड कुमार जैन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्वल जी आपके पास आना चाहूंगी, अक्सर देखा जाता है इस तरीके के मामलों को न सिर्फ एक राज्य में बल्कि भारत में अगर बात की जाए तो आधे भारत की तस्वीर इसी तरीके की दिखती है, खासकर गांव की, लेकिन क्या आप मानती हैं कि गांव और शहरों की जो तस्वीरें हैं इस पूरे मामले को लेकर यानी कि बाल विवाह को लेकर अलग अलग हैं? अंजलि जी, मैं काफी समय से ये सबकी बातें सुन रही थी जी। मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगी, चाहे कानून बने चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक मानसिकता पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इस प्रकार की कोई भी कुप्रथा हमारे समाज से नहीं जा सकती, चाहे पंचायत या राज्य हो, पंचायत की खुद ही मानसिकता ऐसी है और वो ही इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। चाहे भैसर ने जैसे कहा कि खप प्रथा हो या कोई भी प्रथा हो, वो कहाँ से जन्म लेती है? वो एक व्यक्ति की मानसिकता से जन्म लेती है। जैसे मैं कुछ दो पंक्ति पढ़ना चाहूंगी कि मैं नारी सदियों से स्व अस्तित्व की खोज में फिरती हूँ मारी मारी, कोई ना मुझको माने, सबने समझा व्यक्तिगत धन जी। तो जब इस मानसिकता से एक लड़की का जन्म होता है, उसको बड़ा करते हैं, तो ये कुप्रथा अपने आप ही हमारे समाज में होंगी। जिस तरीके से जब लड़की का जन्म होता है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उसको सेलिब्रेट करता हो जी। एक तरफ हमारे पास राजस्थान के एक गांव की जरूर एक एग्जाम्पल है कि जहां पे 111 पेड़ लगाए जाते हैं जब एक लड़की का जन्म होता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि एक नेगेटिव चीज को हम पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ा सकते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हम अर्बन और रूरल, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अर्बन उस क्षेत्र में ये थोड़ा कम होगा क्योंकि वहां पे अवेयरनेस ज्यादा है, जागरूकता ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता कम है। इसी कारणवश वहां पे इस प्रकार की कुप्रथा को रोकना या समाप्त करने में थोड़ा समय अधिक लगता है। पारुल जी, अशिक्षा कितनी बड़ी जिम्मेदार है इसके लिए? अशिक्षा बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मेरे को लगता है अशिक्षा और गरीबी एक दो बड़ी जिम्मेवारी है इस प्रकार की कोई भी, इनफैक्ट ये बेसिक चीज है। और एक तीसरी चीज पॉपुलेशन, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो हम उसको समझ नहीं आता, 4-5-6 बच्चे, तो उन्हें लगता है, माँ बाप को भी ये लगता है कि चलो लड़कियों को तो हम दूसरे घर जाना ही है, उन्हें अभी से ही हम विदा कर देते हैं, फिर लड़कों को पढ़ा लेते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते, इस चीज में फर्क होता है। और तीसरी, उनके पास पेट भरने को जब साधन ही नहीं है तो वो अपनी जिम्मेवारी दूसरों पे डालना चाहते हैं। जी बिल्कुल, विजय शंकर जी आपसे भी यही सवाल है मेरा, ग्रामीण और जो शहरी इलाके हैं दोनों में फर्क है, बाल विवाह जो होते हैं उनके जो आंकड़े फिलहाल आए हैं उन दोनों में ही फर्क है? देखो, अभी महेश जी ने एक बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि मैं विजय शंकर तिवारी की बात से सहमत नहीं हूँ, शिक्षा वाली बात से, तो स्वाभाविक है, महेश जी कानून विद हैं और कानून के पक्ष की बात कर रहे हैं और हम सब लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन देश की जैसी परिस्थितियां हैं, मैं सारे देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां देखता हूँ और जाता हूँ, तो मुझे ध्यान में आता है कि
अलग अलग परिस्थितियों में कानून अलग अलग काम कर रहा है। भारत में मुस्लिम और हिंदू दोनों के विषय में अलग काम कर रहा है। भारत में एक आधे गांव में ऐसे भी हैं जहां पर भारत के कानून को लोग मानते ही नहीं है, अपने ही कानून मानते हैं। तो देश का जो कानून है लोगों के लिए है जी। तो स्वाभाविक लोगों के लिए तो लोग कैसे ठीक हों ये एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पैदा होती है जी। तो उस जैसे पारुल जी ने कहा कि जो शिक्षा, मैंने पहले भी शायद कहा शिक्षा का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे जैसे आदमी शिक्षित हो जाता है जैसे जैसे शिक्षा वहां पहुंचेगी वैसे वैसे लोग कानून मानना शुरू कर देंगे। दूसरा प्रजातंत्र की बात है, भारत में चुनाव होते हैं। अभी एक विषय आया था कि वहां जाकर हमारे देश के नेता जो वहां चुनाव लड़ते हैं वो भी जाके उनको प्रोत्साहित करते हैं। भारत का कानून कहता है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए और भारत के इस प्रकार के जो लोग हैं वहां जाकर उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो वास्तव में वहां काम क्या विषय आ गया, उनके बीच में वोट का विषय आ गया। तो धीरे धीरे करके वोट के विषय के साथ में साधते हुए क्योंकि वही लोग कानून बनाने वाले हैं तो वहां पर जाकर शिक्षा की अलग जगह नहीं पड़ेगी ताकि वो भी इस प्रकार के उस प्रकार के ढांचे में ढल करके इन प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर सके और लोग बाल विवाह उनके मन में ही ना आवे। मतलब एक तो विरोध स्वरूप नहीं करना है, एक ये कि उनके मन में ही नहीं आता। आज शहरों में आप देखिए, समृद्ध गांव में देखिए, लोग नहीं करते, उनके मन में ही नहीं आता बाल विवाह। उनको पता चलता है कि अगर कन्याओं का विवाह करेंगे 10 साल में 11 साल में तो क्या परिस्थिति बनेगी। भारत में कभी भी बाल विवाह नहीं था जी, भारत में कभी भी बाल विवाह नहीं था। इसके हमारे जो प्रमाण है, मनुस्मृति है, आयुर्वेद है, उसमें ये कहा गया कि जब कन्या रजो दर्शन के 3-4 साल बाद उसकी शादी करनी चाहिए, ये भारत के ग्रंथ कहते हैं, ये भारत का साहित्य कहता है जी। तो स्वाभाविक है ये बीच के काल में कभी आया हुआ बिल्कुल है। जी और बिल्कुल इस पर राजनीतिक क्या कुछ आईना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो शांता देवी हैं उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। जब 11 महीने की थी तब उसका बाल विवाह हुआ था, बड़ी बहन के साथ बाल विवाह हुआ था। कुछ साल पहले जब इसे पता चला इसका बाल विवाह हुआ, इसने अपने पिता से इस बाल विवाह को नहीं मानने की बात कही, क्योंकि कारण बहुत सारे थे। लड़के से ये संतुष्ट नहीं है किसी कारणों की वजह से। और दूसरी चीज ये है कि जो इसकी बड़ी बहन है वो भी उसी उन्हीं परिवार रिश्तेदारों में ब्याही गई है, उसे भी किसी हर बहुत तरह के शोषण का शिकार होना पड़ा। तो इससे ये कहीं ना कहीं आहत हुई है कि मैं अब उस घर में, उस ससुराल में नहीं जाना चाहती। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पारुल जी आपके पास आना चाहूंगी, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता अगर कोई भी वहां पर जो सामाजिक कार्यकर्ता है किसी तरीके से बाल विवाह को रोकने वहां पर पहुंचता है और इस तरीके का जो मैंने मामला बताया कि 2005 का ये मामला है जब शकुंतला वर्मा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी वो पहुंची बाल विवाह को रोकने के लिए और उसका वहां पर हाथ काट दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात कि उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर, उनका कहना है कि जब नशाखोरी और अन्य कुरीतियों जैसी चीजों को हम नहीं रोक पाए तो फिर बाल विवाह तो काफी समय से चली आ रही एक परंपरा है, उसे कैसे रोक पाएंगे। देखिए सती प्रथा भी थी हमारे समाज में, वो भी रुक गई ना, अब नहीं पाई जाती सती प्रथा इस समाज में जी। इसी तरीके से समय लगता है बदलाव के लिए, लेकिन अपना प्रयास नहीं रोकना चाहिए हमको खाली इसलिए कि हाथ कट गया या कुछ है, हम काम करना तो नहीं बंद कर देंगे जी। लेकिन हाँ जरूर है ये है कि हमें जो जहाँ जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें लोकल सपोर्ट जरूर चाहिए होता है, और अगर वहाँ के लोग ही इसके खिलाफ हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एक ऐसा काम हो जाता है कि जो हम शायद पूरा ना कर पाए। लेकिन इससे हमें किसी भी प्रकार की ये बाधाएं हैं और हमने अगर कोई अपना लक्ष्य तय किया है तो उसको पार करने के लिए कुछ बाधाएं भी तय करनी पड़ेंगी और फाइट आउट भी करना पड़ेगा, सिस्टम के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा और सिस्टम के साथ भी जाना पड़ेगा। लेकिन पारुल जी सरकार को भी चाहिए, जो भी राज्य सरकार है उसको भी चाहिए कि वो करे सुरक्षा के इंतजाम, करवाए उस सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। बिल्कुल ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सरकार की जी, कि ये एक तरह हम आपस में खींचातानी करके काम ना करें लेकिन अगर साथ हाथ जोड़कर काम करें तो शायद हम इस प्रकार की कुप्रथा बहुत जल्दी इस समाज से हम हटा पाएंगे। मैं कमिंग बैक टू विजय जी क्वेश्चन, एक उन्होंने बोला था कि
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा, मैं फिर उस विषय पे एक बार थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि शिक्षा के अभाव के कारण ही इस प्रकार की कुप्रथा जन्म लेती है इस समाज में, क्योंकि अगर ये लोग शिक्षित हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि हेल्थ किस प्रकार से इफेक्ट होती है छोटी बच्ची की। अगर जो 13-14 साल की बच्ची की शादी हो जाएगी और वो एक रिलेशनशिप बनेगी, तो मेरे हिसाब से जो आंकड़े हैं वो पहले साल में 60% इस प्रकार के अगर वो बच्चों को जन्म देती हैं, तो वो 60% बच्चे जीवित नहीं रह पाते हैं। इसी प्रकार से उनका पोषण, और सबसे बड़ी बात उन्हें खुद ही नहीं समझ है, वो उनके खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने के अपने विकास के दिन है, और उस टाइम उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी जाती है, जहां घर चलाना, सास ससुर की देखभाल और खेतों में जाके काम करना और क्या क्या, तो वो किस प्रकार। तो इसलिए जब तक हम इसको कोने कोने में शिक्षा या किसी भी प्रकार, चाहे वो थिएटर हो, चाहे कोई और परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे लोकल लैंग्वेज में, हम बहुत तरीके से उनको शिक्षा कर दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही जाके ये सब शिक्षा हो। तो ये शिक्षा की तो बहुत ही अहमियत है इस मुद्दे के लिए। जी बिल्कुल, सुनीता जी के पास चलते हैं। सुनीता जी, मध्य प्रदेश की अगर यहाँ पर बात ले ली जाए, जैसा कि अभी इसी पर चर्चा हो रही थी, शकुंतला वर्मा नाम की जो सामाजिक कार्यकर्ता थी उनका हाथ काट दिया जाता है, आप कितनी सहमत हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि जो सरकारें हैं उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए और इस तरीके के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक सरकार को बीड़ा उठाना चाहिए ताकि एक संदेश जाए और जागरूकता बढ़े। चलिए, और हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता महेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। महेश जी, अब फिलहाल क्या कुछ आगे इस पूरे मामले में जो रास्ता है वो सामने आ सकता है, क्योंकि जो जोधपुर का ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, इसमें पंचायत ने तो अपना तुगलकी फरमान सुना दिया है, ऐसे में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई अब इस दौरान की जा सकती है? ऐसे में कानूनी कार्रवाई ये है कि जिन पंचायत ने ये जो तुगलकी फरमान जारी किया है इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होना चाहिए आपका, जैसे कि आईपीसी में इसके लिए प्रोविजन है, पब्लिक न्यूसेंस, इस तरीके से पब्लिक न्यूसेंस ये क्रिएट कर रहे हैं। अगर प्रोविजनली अगर देखा जाए तो ये पब्लिक न्यूसेंस में इनके खिलाफ FIR हो सकती है। जी 159, 120 इस तरीके से करके प्रोविजन है, 151 में हो सकता है, 107 में हो सकता है आईपीसी में। इन प्रोविजन के तहत उन सभी लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए राज्य सरकार द्वारा आईपीसी के अंतर्गत। और उसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से बाकी भी कभी कई सारी गलत चीजों के लिए एक इंस्टेंट सेंटर बने हुए हैं हर स्टेट में, जैसे कि FIR के लिए 100 नंबर है, इसी तरीके से सभी सरकारों को अपने स्टेट में बाल विवाह को रोकने हेतु भी एक इंस्टेंट कॉल सेंटर होना चाहिए, जहां पे तुरंत ही जैसे ये सोसाइटीज वर्क करती हैं। जैसा कि आपने बताया 2005 में हमारी एक सामाजिक कार्यकर्ता का हाथ काटा, बाकी काफी दुखद घटना थी ये। अगर उस महिला को, उस कार्यकर्ता को राज्य सरकार द्वारा अगर कोई एक अच्छी सी सुविधा जैसे कि पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता जी, तो क्या उस महिला का जो सामाजिक कार्यकर्ता थी क्या हाथ उसका कटता? जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि अगर उसको प्रोटेक्शन स्टेट गवर्नमेंट देती तो ऐसा ना होता। जी बिल्कुल, एक प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए ताकि स्टेट कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकारों को भी आगे बढ़कर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता इस तरीके के जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां उनका विरोध करते हैं, उसको लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर अब राज्य सरकार को भी आगे आना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला ने बात की है, खास बातचीत की है कांग्रेस के सांसद रंजीता रंजन से। भारत में बाल विवाह पर कानून काफी सख्त है, लेकिन बावजूद इसके अब तक बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन है। रंजीता जी, काफी सख्त कानून बना है, काफी पहले से बना है, बावजूद उसके अब भी बाल विवाह पर लगाम नहीं लग रहा, कारण क्या है आखिर इसका? देखिए, जब तक सोसाइटी को अपने दिल से नहीं आएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक होती हैं, उसको हम जितने कानून बना ले, अब रेप के लिए इतने बड़े बड़े कानून बन गए, निर्भया के बाद 33% दिल्ली में रेप बढ़ जाते हैं, बाल विवाह के लिए बहुत सारे कानून बने, लेकिन चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे इवन बिहार हो, आज भी जो रूढ़िवादी पद्धतियां हैं, इतना एक तरफ हम अंतरिक्ष की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ सानिया मिर्जा है, सानिया नेहवाल है, और बॉलीवुड में इतनी एक्ट्रेस आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी
कुछ लोग उस परंपरा को लेकर लगातार चल रहे हैं। और सबसे दुखद ये है कि कानून होने के बावजूद गलती कहाँ होती है कि अगर अभी जो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में बाल विवाह हो रहा है तो डीएम है वहाँ पर, थानेदार है वहाँ पर, ब्लॉक है वहाँ पर, सबको कानून मालूम है लेकिन कोई किसी को छेड़छाड़ नहीं करता। अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार में लोग दलील क्या देते हैं बाल विवाह की? देखिए उनकी सिंपल सी दलील है कि जितनी लड़की बड़ी होती जाएगी तो वो जो दहेज एक बहुत बड़ा हमारा अभिशाप है तो बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बिहार में यह बहुत सारी जगह में होता है कि 9 महीने 6 महीने, ऐसा नहीं होता है, 11 12 13 में वो फिक्स कर देते हैं, हर जगह नहीं, अब कुछ जगह बचा है ताकि दहेज कम देना पड़े, तो अभी से कर दिया तो कल हमको कम देना पड़ेगा। तो ये एक सोच है। दूसरी एक सोच है कि जब लगातार रेप केसेस बढ़ते हैं तो वो एक तरह से अपने कहते हैं कि हम बेटी को सिक्योर कर रहे हैं कि जल्दी ब्याह दिया, अब जिम्मेदारी ससुराल की है। इस तरह के दो चार निकलते हैं जो वो लोग की सोच है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर प्रशासन टाइट हो और प्रशासन अगर कड़ाई से वहां पर जाकर इमीडिएट एक्शन ले तो इस पर हम लोग रोक लगा सकते हैं। तो साफ है इन सब चीजों पर, बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को सख्त होना होगा। अगर प्रशासन सख्त होता है तो यकीनन बाल विवाह रुक जाएंगे, वरना रूढ़ी की तरह चलते रहेंगे और इसी तरह लड़कियां इसकी भेंट चढ़ती रहेंगी। है ये बाल विवाह। हमारे साथ सारथी एनजीओ की संस्थापक कीर्ति भारती जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति भारती जी आपका वंदे मातरम में। नमस्कार कीर्ति भारती जी, जिस तरीके का मामला जोधपुर में सामने आया है, आपका जो एनजीओ है उसने अब इसके खिलाफ आवाज उठाई है, फिलहाल आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे एनजीओ के द्वारा? हमने आज जो बच्ची है संता, उसका बाल विवाह निरस्त का जो केस है, वाद है, वो हमने दायर कर दिया है जी। और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें सपोर्ट मिलना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है, उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली है और मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जाति पंचायत को कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगाने में आगे हमारा सपोर्ट करेगा जी। कीर्ति जी, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो पुलिस और प्रशासन है उसने भी कहा है कि हम भी इसमें मदद करेंगे, लेकिन अभी तक जो केस है वो दर्ज नहीं करवाया गया है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को केस दर्ज करवा दिया है, इन्फॉर्मेशन हो चुकी है और क्योंकि जाति पंचायत की बात है तो यहाँ एक या दो लोग नहीं होते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा गांव या पूरी की पूरी जाति इन्वॉल्व होती है। तो ये जो जाति है इसमें कौन से लोग ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, हम उन लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि उन लोगों पर पर्सनली इंडिविजुअली हम लोग चार्जेस लगाएं हरेसमेंट के और चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने के लिए जी। कीर्ति भारती जी, खबर ये भी आ रही है कि जो लड़की पक्ष है उनका कहना है कि लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है, ना सिर्फ जाति पंचायत द्वारा बल्कि लड़के पक्ष द्वारा भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो लड़की की बड़ी बहन है वो भी उन लड़के पक्ष के घर में बहू है, उस पर भी उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ठीक करना चाहूंगी कि जो बड़ी बहन है वो पहले उसी उन्हीं के रिश्तेदारों में बहू थी जी, लेकिन जाति पंचायतों ने ही उनका 7-8 साल पहले फैसला करके तलाक करवा दिया था। अब शी इज मैरिड टू अनदर वन एंड शी इज हैप्पी टेकिंग हर लाइफ फॉरवर्ड। और जो बच्ची है उसके ऊपर बिल्कुल इनके समाज का दबाव है, ये लोग नहीं चाहते जाति पंचायत या इनके समाज मेघवाल समाज के लोग कि ये बाल विवाह निरस्त के लिए बात कोर्ट तक पहुंचे या न्यायालय में जाकर बच्ची का बाल विवाह निरस्त हो। इवन उन लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप खुद इस केस से हट जाइए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, और बच्ची को गांव भेज दीजिए, लड़की को गांव भेज दीजिए और उसका फैसला वही जाति पंचायत में होगा, यानी कि उसके ऊपर डर लगेगा तभी उसका मतलब उसको छुटकारा मिल पाएगा। चलिए शुक्रिया कीर्ति भारती जी, हमारे साथ संस्थापक का सारथी एनजीओ की जुड़ी हुई थी, जो कि ये वो एनजीओ है जो कि उस लड़की के साथ खड़ा है और उस लड़की के साथ आगे की जो कार्रवाई है वो करवा रहा है। विजय शंकर जी आपके पास आना चाहूंगी, आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीर अब देखने को मिल रही है बाल विवाह को लेकर।
इसमें जैसे हमने बताया कि वास्तव में किसी भी जो समस्या आप हमारे सामने है जी, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, जब तक उसके पीछे नहीं जाएंगे तो आज समाप्त करना थोड़ा कठिन रह जाएगा। उस समय की जो परिस्थितियां थी, शायद अपनी कन्याओं को बचाने का एक बड़ी समस्या माँ बाप के सामने रहती थी, और उस समय आक्रांता देश में थे और वो लोग लूटते थे, सब लोग मतलब भयभीत रहते थे, तो अपनी कन्याओं को देख। लेकिन एक बड़ी टेक्निकल बात थी उस समय के लिए, शादी करने के बाद वो लड़की को ससुराल भेजते नहीं थे, वो 11 साल में कर देते थे, 12 साल में, लेकिन भेजते नहीं थे। वो बालिग होने के बाद वो एक गौना शब्द हमारे यहाँ प्रचलित था, और बहुत सहज भाव से उनके परिवार के बीच पूरा व्यवहार होता था, लड़के लड़की नहीं मिलते थे, और गौना होता था बालिग होने के बाद, और जब गौना होता था तो सारी समस्याएं, कोई समस्याएं नहीं होती थी। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। विजय शंकर जी, एक और तथ्य निकल कर सामने आया है बाल विवाह को लेकर। अक्सर देखा जाता है कई राज्यों में कई जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सामुदायिक विवाह चलाती हैं, जिसमें गरीब जो लड़कियां हैं लड़के हैं उनका सामुदायिक विवाह करवाया जाता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इस बीच जो नाबालिग बच्चे हैं उनका भी विवाह करवा दिया जाता है। क्या ऐसे में ये नहीं होना चाहिए कि जो भी संस्था है उनके जो साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि है जो कि अक्सर इस तरीके के आयोजन करवाते हैं, उनको अगर इस तरीके का मामला सामने आता है तो उनको भी जवाबदेही होना पड़ेगा? वैसे अंजलि, जो इस प्रकार के जागरूक संगठन हैं, मैं कई संगठनों को जानता हूं और मैं उन शादियों में गया हूं जी, तो आज तक मुझे कोई ऐसा अवसर नहीं मिला जहां पर मुझे कोई बाल विवाह के लिए कोई लड़की रही हो। ऐसी होती होंगी, क्योंकि जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं तो उन्हीं क्षेत्रों में जहां लोग कम जागरूक हैं, कम शिक्षित हैं और सामाजिक काम भी कर रहे हैं, और वहां इस प्रकार की हो सकता है विवाह करवाते हों, और ये संभव भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि सुनीता बहन ने एक बड़ी बात कही कि चुनाव एक बड़ा इसमें विषय होता है, और उसमें जिनको ये काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और उसका हल भी वही है जो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के परिदृश्य हैं, एक तो उस गाँव का, गाँव की पंचायत है, गाँव के प्रबुद्ध लोग हैं, गाँव के बड़े लोग हैं, वो इस सारे विषय को सुलटा सकते हैं, और या तो फिर ऊपर से जो महेश जी कह रहे हैं, महेश जी की बात बिल्कुल ठीक है, महेश जी को ध्यान में होगा मैंने कहा कि कानून का एक भय रहना चाहिए, कानून का भय समाज को ठीक रखता है, लेकिन जहां पर अशिक्षा है वहां कानून का भी भय नहीं होता है। उनको जब संवेदनशील बनते हैं, उनको अपनी इज्जत प्यारी होती है, इज्जत की बात होती है, तब जाकर के उनके पास कानून का भय समझ में आता है। तो बार बार एक ही बात है कि जो जागरूक संगठन की बात आपने कही, तो संगठनों को जागरूक करना चाहिए जो इस प्रकार की शादियां कराते हैं, और अगर वो संगठन इस प्रकार की शादी कराते हैं तो उन संगठनों के खिलाफ उनके सामने कानून का जो डंडा है, जो महेश जी कह रहे हैं, क्योंकि जो संगठन है वो तो जागरूक होने चाहिए, अगर वो भी इसी प्रकार अशिक्षित हैं और इस प्रकार की मानसिकता के हैं तो फिर कैसे सुधार होगा। तो उनके सामने तो निशुद्ध रूप से कानून का भय ही सामने होना चाहिए, और समाज को जो भी पद्धतियां, सॉफ्ट पद्धतियां हो सकती हैं, फिर कानून की पद्धति हो सकती है उसके माध्यम से कानून जी करें। बिल्कुल, कानून के भय की काफी महत्वपूर्ण बात कही है सर आपने। पारुल जी, क्या ऐसी जगहों पर कानून का भय दिखता है? क्योंकि अक्सर देखा गया है, फिल्मों की अगर बात कर ली जाए, कई फिल्मों में देखा जाता है कि जो पुलिस के पास जो पीड़िता है वो जाती है लेकिन पुलिस तक नहीं सुनती। और ये रही सही बात, जो अगर रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो इसी तरीके की जो आईना है वो देखने को मिलता है जो गाँव और सुदूर इलाके हैं वहां पर, कि पुलिस के पास जाते हैं लेकिन पुलिस केस दर्ज नहीं करती है, आपसी मामला सुलझाने की कोशिश कर दी जाती है, और अंत में अगर जो जाति पंचायत है उस पर सब छोड़ दिया जाता है। कानून के रखवाले ही इस तरीके से पंचायतों के हाथ सब दे देते हैं, क्योंकि कानून के रखवाले भी उन्होंने ही बनाए हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह, कानून होना बहुत आवश्यक है। महेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कानून, सख्त कानून होना बहुत जरूरी है। एक महीना या डेढ़ महीना या 100 रुपए का कोई उनके ऊपर अगर पेनल्टी लग जाए तो आजकल कुछ भी नहीं है, और ये सदियों से ऐसे चला आ रहा है, क्योंकि कानून में चेंजेस ही नहीं हुए, बदलाव ही नहीं हुए, पहली बात तो ये। और जैसे विजय शंकर जी ने कहा कि जागरूकता नहीं है, जो एक समाज, जो एक दूर दराज पंचायत में कोई प्रथा चली आ रही है वो उसी प्रकार से चली आ रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि नई चीज क्या है और बस उसको ही वो फॉलो करते आ रहे हैं जी। इसी तरीके से जो वहां का लोकल कानून है वो इतना दूर है, या उस तक एक तरीके से मैं तो कहती हूँ वो भी जागरूक नहीं है,
वहाँ के पुलिस अधिकारी भी शायद हो सकता है जागरूक नहीं है, क्योंकि वो भी उसी जाति और उसी समाज से बड़े हुए हैं, तो उनकी मानसिकता भी उसी प्रकार से है। तो वो जब उस मानसिकता के साथ लेकर अपने कानून को आगे बढ़ा रहे हैं या किसी कानून को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कानून के रखवाले किस तरीके से हो सकते हैं? जी बिल्कुल। तो इसलिए जो प्रथा, मेरे हिसाब से ये हमारा देश इतना बड़ा है, और मैं फिर से कहना चाह रही हूँ, आंकड़ों के हिसाब से अगर हम जाएं तो केरला जैसे क्षेत्र में भी जहाँ 99% लिटरेसी है, वहाँ 13% बाल विवाह आज हो रहे हैं। जी। तो हमारे सामने एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो क्यों हो रहे हैं? जी। तो कोई तो रीजन होगा वहाँ पे इस तरीके से होने से। हम बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को गिनते हैं इस तरीके से। कमिंग बैक टू कानून वहीं से जन्मा है, इसलिए मैं कहती हूँ कि वो कानून वहाँ हेल्प ही नहीं कर सकता, उस कानून का ही बदलाव होना चाहिए और इतना कड़ा होना चाहिए, इतना कड़ा होना चाहिए कि लोग एक बार को कांप जाएं कि हम इस तरह की कुप्रथा को आगे नहीं बढ़ा सकते। जी, बड़े रिफॉर्म की आपने बात कही कि कानून में एक बड़ा रिफॉर्म होना चाहिए। सुनीता जी, एक सवाल मेरा आपसे है, एक सत्य है बाल विवाह को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार के तहत एक कार्यकर्ता ने ये पूछा था कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में कितने इस तरीके के बाल विवाह से जुड़े कितने मामले दर्ज किए गए। लेकिन चौंकाने वाला सत्य देखिए, आंकड़े मौजूद ही नहीं है, चाहे बात महिला बाल विकास विभाग की जाए, स्वास्थ्य विभाग की जाए, शिक्षा विभाग की जाए या पुलिस विभाग की जाए, इन चारों विभागों के पास जो स्पष्ट आंकड़े होने चाहिए थे वो स्पष्ट आंकड़े नहीं होने चाहिए। सवाल मेरा ये कि क्या इस तरीके के मामलों में, इस तरीके के आंकड़ेबाजी में विभागों के जो सामंजस्य है, तालमेल है, उसकी भी कमी देखने को मिल रही है? जी, आप 100% सही बोल रही हैं। आप जो आंकड़े बताए जाते हैं, हालांकि मैंने आंखों से देखा है कि महिला बाल विकास हो या जहां भी हो, ये आंकड़े उजागर नहीं करते जी। जिस तरीके से उन्हें बताना चाहिए, जो चीज प्रत्यक्ष सामने रखना चाहिए, वो होता नहीं है। केवल कागजी कार्रवाई पे ही ये कार्य हो जाते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। तो इसका मैं विरोध करती हूँ कि आंकड़े जो है, जो दबाव दिए जाते हैं, ना पुलिस रिकॉर्ड में रहता है, ना शासन प्रशासन के पास रहता है, केवल दिखावे की बात करते हैं और बाकी जो करते हैं धरा रहता है। जी महेश जी, आपका क्या कहना है? जब स्पष्ट आंकड़े पता ही नहीं होते विभागों के पास, इस तरीके के आंकड़े नहीं होते, तो कोई अगर पता भी करना चाहेगा, या इस दौरान एक कानून में रिफॉर्म की यहाँ पर बात की जाती है, लेकिन जब स्पष्ट आंकड़े ही नहीं है, तो किस तरीके से हम लीगली अगर लड़ाई लड़ना चाहें तो क्या करें? फिर एक आम इंसान क्या करे? मैडम, एक आम इंसान इस पे तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ, जितना भी सब कुछ है, ये सब इसमें, मैंने जैसे पहले भी बोला कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप जैसा कि मुझसे पूछ रही हैं कि यहाँ पे आपके आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े कौन उपलब्ध कराएगा? जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। बिल्कुल। कि एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट होता है इन लोगों का, जिसमें कि हर ईयरली जितना भी आपका है, क्या आपने कितना ईयर में कितना क्या मेंटेन हुआ, जैसे पुलिस रिकॉर्ड में चले जाए तो एक जीडी होती है लोगों की, पर्टिकुलरली हर थाने पे एक जीडी होती है, जिसको बोलते हैं डेली रिपोर्ट। जी, जिसको डेली रिपोर्ट है। अब अगर वो उसको जीडी पे नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो इसमें लिए एक कॉमन पर्सन क्या करेगा? इसके लिए एक जिम्मेदारी, एक तो डीजी, स्टेट का डीजी, उसके अलावा आपका जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उनके जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, अगर स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है कि आप उनको मेंटेन करिए, चाहे उस पर कोई काम हुआ हो चाहे ना वर्क हुआ हो, उसको आप मेंटेन करिए। जनरली होता क्या है कि जैसा कि पहले भी बोला गया यहाँ पर कि डिस्कशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपना जो भी हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, प्रशासन ने अपना क्या किया कि रिपोर्ट उसको कहीं ना कहीं समझौता करके खत्म कर दिया। जनरली क्या करते, जब डिस्पोजल हो गया उसका, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया गया। मगर अगर कोई डिस्पोजल किया जा रहा है, चाहे वो कम्प्रोमाइज से हो रहा हो, तो उसको भी डिस्पोजल में उसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल महेश जी, समय, जी बिल्कुल महेश जी, समय की बेहद कमी है, आपसे एक फाइनल कमेंट महेश जी मैं चाहूंगी, जोधपुर वाले केस को लेकर मैं चाहूंगी, जिस तरीके का मामला ये सामने आया है, आप कहा जा रहा है, वैसे तो ये जो शादी है वो वैसे भी लीगली नहीं है, कानूनी तौर पर वैध नहीं है, ऐसे में अब दबाव उन पर बनाया जा रहा है लड़की पक्ष पर कि वो शादी करे या उनके घर आए कानूनी तौर पर, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर कानूनी तौर पर अगर कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो क्या कुछ अब रास्ते रह गए हैं लड़की पक्ष के पास?
अब इसमें तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक तरफ पहले तो जो विक्टिम है वो भी एक अक्यूज है जी, विक्टिम भी अक्यूज है, पहले उन्होंने रजामंदी क्यों दी जी, ऐसे में हेलो जी बिल्कुल बिल्कुल, विक्टिम जो विक्टिम है जी, उनके गार्जियन भी एक्यूज एज एक्यूज ट्रीट होंगे जी, क्योंकि उन्होंने रजामंदी दी शादी के लिए बिल्कुल, क्योंकि ये भी प्रोहिबिटेड है कि आप ना लड़की पक्ष हो चाहे वो लड़का पक्ष हो, बिल्कुल दोनों लोग इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। अगर तो क्या महेश जी, तो क्या लड़के पक्ष पर कार्रवाई की जा सकती है इस दौरान, या जो पंचायत है जाति पंचायत है उसने जिसने फैसला सुनाया है, क्या इस दौरान पूरा हक है लड़की पक्ष को कि वो पुलिस में जाए और उनके खिलाफ कंप्लेन करे और कानूनी कार्रवाई उन पर होगी? बड़े संक्षिप्त में चाहूंगी इसका आंसर। पूरा पूरा अधिकार है उनको, पूरा अधिकार है, दे हैव अ फंडामेंटल राइट्स जी, उनको पूरा अधिकार है कि वो जाए एक एफआईआर करे, अगर एफआईआर नहीं हो रही तो वो एज ए कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जी, बिल्कुल उनके साथ इस तरीके से क्वेश्चनिंग हो रही है जी, बिल्कुल उनको धमकियां मिल रही है जी, बिल्कुल पारुल जी आपका भी जी, बिल्कुल 506 है जी, बिल्कुल पारुल जी आपका भी एक फाइनल कमेंट चाहूंगी। बाल विवाह को लेकर लगातार कई कानून तो बनते आए हैं, लेकिन आखिर अंत में आकर जो समाज और परिवार है उसी पर पूरी की पूरी जो सुई है वो आके अटक जाती है, तो क्या आपको लगता है कि समाज तो ठीक है, समाज तो अपना जो भी अपनी कुरीतियां हैं उनको चलाता रहता है, लेकिन क्या इस दौरान परिवार को कितना जिम्मेदारी रखनी चाहिए अपनी, आपके मन तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी, क्योंकि जैसे कि महेश जी कह रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि कानून में बहुत कमियां हैं, अगर उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कर दी तो वो सालों साल वो केस चलता जाएगा और शायद वो पढ़ लिख कर टीचर भी बन जाएंगे और सब कुछ होगा और फिर भी वहीं का वहीं लटका रहेगा ये मामला। लेकिन ये मुद्दा दूसरा है, लेकिन परिवार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उन्होंने तो पहले तो बात ये कि क्या सोचकर 11 महीना की बच्ची का शादी करी, और अब वो उनको शायद रियलाइज हो रहा है, उन्हें पता चल रहा है, तो वो उसके साथ है, लेकिन अभी भी अगर वो उसके साथ है तो ये बहुत बड़ी बात है और हर परिवार को अपनी बच्ची के साथ होना चाहिए जी। चलिए शुक्रिया पारुल जी, हमारे साथ जुड़े थी संस्थापक प्रभाव एनजीओ की विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ लखनऊ से महेश गुप्ता जो कि सीनियर अधिवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ से सुनीता चिक्रिया जी हमारे साथ जुड़ी थी, अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति की अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंत में आकर हालांकि एक समाज से यही अपील है कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो शायद इन्हें परंपरा बना ली गई है, लेकिन आखिरकार जो सवाल एक भविष्य जो लड़की के भविष्य पर आकर टिकता है, लेकिन अब जो कि 21वीं सदी में हम आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो सोच है वो अभी भी पुरानी परंपराओं से मिलती जुलती है, और जरूरत है ना सिर्फ कानून समाज बल्कि एक मानसिकता में भी एक बड़े रिफॉर्म की, ताकि आगे चलकर भविष्य में कोई भी लड़की का जो भविष्य है जो फ्यूचर है वो इस तरीके से अंधकार में ना पड़ जाए। फिलहाल वंदे मातरम में आज के लिए बस इतना ही, आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंच के साथ, नमस्कार। एक बार एक आदमी पेप्सी की बोतल अपने सामने रखकर उदास बैठा था, बाहर से उसकी पत्नी आई और पेप्सी पी गई और उससे पूछी, आज आप उदास क्यों बैठे हैं? आदमी ने कहा, आज का तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था वो भी तुम पी गई। घोचू अपने दोस्त पोचू से, यार मेरे दांत में बहुत दर्द रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? पोचू, यार अगर मेरा दांत होता तो मैं निकलवा लेता। घोचू ने गुर्रा कर कहा, जरूर अगर तेरा दांत होता तो मैं भी निकलवा लेता। एक बच्चे ने डॉक्टर से पूछा, दूध पीने से रंग गोरा होता है क्या? डॉक्टर ने कहा, हाँ दूध में कैल्शियम होता है इसलिए। बच्चे ने कहा, अच्छा तो फिर भैंस का बच्चा काला क्यों होता है?